महाराज क्यों हिंदू मंदिर का विनाश करना चाहते हो? हम तो अधिक विजयी रहना है। तो जानना चाहते हो राजकुमार बैजात? जी सुनाना है तो सुनो मेरी दुख भरी कहानी। मैं जन्म से मुसलमान नहीं था, मुझे मुसलमान बना दिया गया है। मैं तो एक था वैष्णव जो कि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। नाम था राजीव लोचन राय। पूरी धाम था मेरा घर, जगन्नाथ थे मेरा आराध्य। फिर मैं चला गया बंगाल राज्य की तरफ और बंगाल राज्य के राजकुमार के साथ हो गया मेरा निक्का और बन गया बंगाल राज्य का सेनानायक। फिर क्या हुआ जानते हो राजकुमार बैजात? फिर भी मेरा मानता है हिंदू धर्म की प्रति, ये पूरी धाम की प्रति। और मैं लौट आया पूरी धाम की तरफ। जब मैं पूरी धाम आया और जगन्नाथ जी को दर्शन करना चाहा, इन हिंदू लोगों ने, इन पंडा लोगों ने मुझे मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया। तुम तो मुसलमान बन चुके हो बलगर, मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया। मंदिर के बाहर कुत्ते की तरह पड़ा रहा। इन पंडा लोगों ने मुसलमान समझ कर बार बार अपमानित किया। कोई एक ने भी मुझे तरस नहीं दिखाया। तीन दिन के बाद मैं चला आया बंगाल राज्य की तरफ। मेरी एक ही लक्ष्य था सारे पंडितों को विनाश करना, दान प्रभु तोड़ देना, क्योंकि विनाश का पुत्र नाम है। क्या करना आया सराना है? पूर्व उड़ीसा के सारे मंदिरों को हम विनाश कर चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे पश्चिम उड़ीसा की तरफ। सुना है कि पश्चिम उड़ीसा में बहुत सारे देवा देवियों के मंदिर है, बहुत सी शक्ति पीठों है, बहुत सी देवियों के मंदिर है। राजकुमार बैजा, रात बहुत हो चुकी है, हमको थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। चलो विश्राम का किसी तरह। Thank you.
और इसी तरह काला पहाड़ नाम के तूफान का अंत किया माँ समलेश्वरी ने, बचाया उन्होंने अपने प्रजा और अपने राज्य को। उसी दिन से हमारे संबलपुर में नुआखाई पर्व का पालन होता है। हर साल भाद्र महीने के पंचमी तिथि में सारे परिवार के सदस्य मिलकर नुआखाई पालन करते हैं। माँ समलेश्वरी सिर्फ देवी नहीं, हमारी माँ है। बोलो माँ समलेश्वरी की जय। बोलो माँ समलेश्वरी की जय। ये गाना प्रस्तुत किए हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट के स्कूल ऑफ हिस्ट्री के सारे